अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुतील हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। इस्लामाबाद ताजर यूनियन और खिदमत कमेटी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 50 ट्रक इमदादी सामान भेज दिया। सैनिटर तलहा महमूद ने कहा कि चाहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। इनका मजीद कहना था, इनकी जानब से सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद जारी है। अशिया खुर्दोनोश, मच्छरदानियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया रवाना की जा चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन को नकद रकम भी दी जा रही है। मजीद तफसील जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद ज़हीर अली शाह से। जी ज़हीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ब्यूरो इस्लामाबाद में। यहाँ सैलाब रकम के लिए ब्यूरो इस्लामाबाद की खिदमत कमेटी इस्लामाबाद यहाँ अपनी टीम को यहाँ से रवाना कर रही है। ये जो ट्रक भरी हुई है बलूचिस्तान के रवाना के कुछ आरक्षी नाम से बात करेंगे। एक और बार फिर जो सैलाब रकम के लिए आपने जो तस्वीर के भेज रहे हैं, ये कहाँ भेज रहे हैं सर? बेसिकली हम ज़्यादातर को जो है सिंध में भेज रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है एरिया वो सिंध एरिया है और बलोचिस्तान का एरिया है। ये हम ताजाने ब्यूरो की तरफ से जो है ये तकरीबन 9 ट्रक जो है वो अभी सामान भी भेज रहे हैं, यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सारे ताजरों की कंडीशन है और ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी हमने 50 तक तकरीबन भेजे हैं, उसमें काफ़ी लोग हमारे में शामिल हैं, खिदमत कमेटी के लोग शामिल हैं, जो खुद जाके अपने हाथों से वहाँ पे तस्वीर कर रहे हैं। ये किसी के हवाले नहीं करते बल्कि मैनेज भी करते हैं, जाके वहाँ पे लोगों को खिलाते भी हैं और बनाते भी हैं, अपने हाथों से देते हैं। और ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है ना मुश्किलात का शिकार है और 60-70% इलाका जो है पानी में डूबा हुआ है। क्या इस वक्त आप भी कैंप कर रहे हैं, आपकी टीम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, कितने वो दे चुके हैं सर? अभी देखिए, मैं बेहद खुशी ये बताते हुए कि इस्लामाबाद की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो हमारी ट्रेड कम्यूनिटी है, इनकी तरफ से तकरीबन 600 टन 50 ट्रक डिलीवरी जा चुके हैं। ये उनका जज्बा है जो पहले एक महीने में होता चुका है, इसी रफ्तार से अगर कंटिन्यू करें तो 100-200 ट्रक भी चल जाएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि प्लानिंग इस तरह से करें, इसको फेजेस में हम करें, क्योंकि ये सिर्फ चंद महीने की बात नहीं है, हम शायद 1-2 साल की बात करें, क्योंकि इसको रीएजुकेशन में भी वही लोग भी लोग भेज रहे हैं, लोगों को वापस रोजगार हमने देने हैं, उनकी जमीनें वापस हमें देनी है, बच्चों को तालीम हमने देनी है, और इसको काफ़ी रीबिल्डिंग का काम होता है। आने वाले महीनों के हिसाब से डायनामिक चेंज हुए हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन आपको करा चुके हैं, अक्टूबर नवंबर में सर्दी होगी, दिसंबर पे पीक पे होगी, तो उनके लिए हमें कैंप्स अरेंज करने, हमें कैंप्स बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर मेडिकल कैंपिंग में साथ रिहाइश के भी बनाने पड़ेंगे, साथ साथ जो बच्चे स्कूल से जा चुके हैं उनकी तालीम साथ साथ वापस को इस्टाब्लिश करना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश हम करेंगे अपनी आवाम से कि जो आपका जोश जज्बा है, शायद अपनी फैमिली को स्पॉन्सर ना कर सकें, क्योंकि महंगाई तो बढ़ा रहा है और सब की मुश्किल आ रही है, लेकिन वो बच्चे जो मैं समझता हूँ महरूम है इल्म से, उसमें से आप एक बच्चा अगर आप अडॉप्ट कर लें ताकि तालीम उनकी आप स्पॉन्सर दे लें, क्योंकि इल्म है तो सब कुछ है। हमने अपनी आवाम को डिपेंडेंट नहीं बनाना, हमें इंडिपेंडेंट बनाना, और ये इनके थ्रू होगा ताकि कल वो अपना रोज़गार दोबारा हासिल कर सकें, कमा सकें और हक हलाल की कमा सकें, क्योंकि इस बुरान से हम गुजर रहे हैं, इसमें क्राइम रेट भी आपको इंक्रीज होगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी भूख से या महरूमी से जुमिल बन जाए या खुदा खासा फोत हो जाए। तो हमने एज ए नेशन बार बार ये साबित किया, 2006 में भी, 2010 में भी, कोरोना में भी, और आज 2022 में भी, हम सब एक हैं एज ए नेशन। हम मिलकर कोई भी हम पे आ जाए, कोई मुश्किल आती है तो हम सब खड़े हो जाते हैं। तो ये आज इसकी एक सबूत है कि ब्यूरो एसोसिएशन ने आपको दिखा दिया कि 5-6 ट्रक हम आज यहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पूरी इस्लामाबाद की जो ताजी कम्यूनिटी है वो यहाँ से 50-600 टन ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो ये बेहद खुशी का मौका है सर। ये जगह में जारी रखेगा या कैसे? बिल्कुल हम जारी रखेंगे इसी कैंपेन को, लेकिन उसको हम फेजेस में प्लानिंग के साथ करेंगे ताकि ये पहुँच भी सकें। तो इसमें अफवाज पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, मैन पावर भी है, क्योंकि इस हालत में हम नहीं चाहते कि किसी भी बंदे को मिस किया जाए, कोई बंदा आसम में ओवरलुक हो जाए, कोई इलाका ओवरलुक हो जाए। तो इसी काबिल के साथ चीज़ें उनके पास सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तो उनको बेहतर पता है कि किस जगह पर किस चीज़ की जरूरत है। उनके साथ मिलकर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह जारी रखेंगे आने वाले महीने में। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बलोचिस्तान लेके जा रहे हैं और ये 50 के करीब ट्रक हैं जो लेके जा रहे हैं, और ब्लू एरिया इस्लामाबाद ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो ये लेके जा रही है। माशाल्लाह बड़े जज्बे के साथ, ये ज़्यादातर तो राशन है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के आइंदा के जो मराहल हैं उसमें भी भरपूर जो है वो हिस्सा लें और मुहिम चलाएँ, और जितने भी लोग हमारे भाई इस आजमाइश में हैं दोनों पुष्ट का उनका भरपूर साथ दें, और हर मरहले में उनका, उनके घर बनाने में, उनके रोज़गार में, उनके जानवरों को जो है वो
फरीद को दोबारा दे लेते जब तक वो आबाद ही होती इंशाल्लाह हम टेंशन नहीं लेते। बहुत शुक्रिया। अभी कितने वो काम कर रहे हैं सफाई जिलों में, कितने काम कर रहे हैं और कितने जो हमारी फाउंडेशन के वाले से काम कर रहे हैं तकरीबन जो है हमारी इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारी हमारा काम हो रहा है वो हमारा लो कोर्ट में हो रहा है, उमर कोर्ट में हो रहा है, हमारे तोनसा में है, पंजाब के अंदर है, फिर हमारा ये खिदमत कमेटी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अंदर है, कुछ और भी है बाप है जितनी फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नुशेरा के अंदर काम हो रहा है और मेनली हमारा जो काम हो रहा है वो कोहिस्तान के अंदर हो रहा है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बहाली के लिए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ किया भी है कि वो लोग जो है अब जिन लोगों के घर खराब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं उन नुकसान के अंदर हम उनका उनको जो है उनकी को मदद कर सकें, तो ये हमारे काम है। इसके अंदर हम स्प्रे की मशीनें भी हमने खरीदी हैं, कुछ लोगों को बांटी भी है इलाके के अंदर, उसके अंदर स्प्रे करें ताकि मच्छर जो है वो इस वक्त दिखी और बड़ी वबाई किस्म की जो है बीमारियाँ फैल रही हैं, इसके साथ मच्छरदानी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं भी बता रहा था 1,500 के करीब मच्छरदानियाँ मैंने कल ही भिजवाई हैं और आगे भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं कि हज़ारों के साथ ये तकसीम, और इसके अलावा कुछ राशन भी हम तकसीम कर रहे हैं मुख्य जगहों पे, और इसमें हमारी खिदमत कमेटी के साथ हो रहा है खाना पका के भी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में साउथ पंजाब के अंदर इसके साथ मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम असल जगह तक पहुँचें और असल लोगों को जो है हम रिलीफ दे सकें, और अब जो हमारा आगे का फेज है उसमें हमारा यही है कि इनके मकान किस तरह बनाए उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी फाउंडेशन जो है उसने तैयार किया, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता लेकिन इंशाल्लाह सैकड़ों के अंदर हम इंशाल्लाह तामीर करेंगे, छोटे छोटे से हम हमारी ख्वाहिश है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तामीर करेंगे ताकि लोग अपने थोड़ा उसको एक उनको इसका एडवांटेज मिल जाए कि वो अपनी जगह के ऊपर जाके बैठ सकें।